भारतीय जनता पार्टी की 25 जून को 3 रैलियां हैं। फरीदाबाद की रैली है, गुड़गांव की रैली है, ये दोनों पूर्वार्ध में हैं, यानी सुबह के समय की हैं, और शाम के समय की रैली हमारी रोहतक में है 3:30 बजे अनाज मंडी रोहतक में। ये लोकसभा क्षेत्रों की रैलियां हमारी हो रही हैं। 3 रैली हो चुकी हैं, सिरसा, भिवाणी, महेंद्रगढ़ और सोनीपत। कल पानीपत की रैली है, इसमें अनुराग ठाकुर जी आ रहे हैं। हमारी रोहतक वाली रैली में अर्जुन राम मेघवाल जी, संजीव बाल्याण जी रहेंगे, मैं स्वयं भी रहूँगा। हमारी 29 तारीख को एक रैली है यमुनानगर में, जिसमें ठाकुर राजनाथ सिंह जी रहेंगे। 30 की भी एक रैली है जिसके अतिथि अभी तय नहीं हुए हैं, वो हिसार लोकसभा की। एक रैली अभी हमारी तय नहीं हुई है कुरुक्षेत्र की, वो एक दो दिन में तय करेंगे। और ये एक पहला ऐसा मौका होगा कि भारतीय जनता पार्टी की एक 10 दिन में जो है 10 लोकसभा की रैली करने का अवसर है। अगले तो ये 2024 की तैयारी की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी के 9 साल होने के उपलक्ष में भव्य कार्यक्रम, मैं कहूँगा कि सफलतम रैलियाँ हो रही हैं और आगे के भी कार्यक्रम बहुत सफलतम होंगे। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। आज़ादी के बाद उनका पहला बलिदान था देश की एकता और अखंडता के लिए, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान। और आज हमको खुशी है कि आज तिरंगा सब जगह लहरा रहा है। नहीं तो वो दिन भी याद है 1990 का, जब हम भी तिरंगा लेके गए थे। वो दिन भी याद है जब वीपी सिंह को घर पे दे के आए थे। हमको वो दिन भी याद है जब मुरली मनोहर जोशी जी और मोदी जी 91 में तिरंगा लेके गए थे। लेकिन हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो हमने 370 तोड़ी और अब वही ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज जो है कश्मीर में भी फहराता है, जो पूरे देश में फहराता है। तो इसलिए उनका बलिदान सार्थक हुआ। और इसके लिए मैं हरियाणा को भी बहुत बड़ा ये मानता हूँ, हरियाणा के वीरों ने भी कश्मीर को एक रखने के लिए, अखंड रखने के लिए बहुत बलिदान दिया है। हमारे बहुत जवान जो है कश्मीर घाटी में बलिदान हुए। जब मैं कहता हूँ जिस कश्मीर को रक्त से सींचा, खून से सींचा, वो कश्मीर हमारा है, तो हमारा भी रक्त, हमारे हरियाणा के जवानों का रक्त भी जो है बड़ी मात्रा में आतंकवाद से लड़ते हुए बहा है। लेकिन आज शांति है, खुशहाली है और विकास की तरफ बढ़ रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।